हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक गाइस। तो सेकंड ये फेस इंट्रो वाली वीडियो है गाइस, और होप आपको पसंद आएगी गाइस। इस मोटिव गाइस, मेन मोटिव जो है इस वीडियो का गाइस, ये है कि गाइस कि भाई जो ये मैंने प्रीवियस टाइम वीडियो बनाई थी उसमें कमेंट किया था दो तीन लोगों ने कि भाई क्या है यार ये तूने बनाई वीडियो, मतलब कैसे बनाई भाई DSLR में या फिर बड़े वाले कैमरे जो मूवी मेकिंग के लिए होते हैं गाइस, और भाई या फिर कोई मतलब एक्सपेंसिव सोनी या फिर कैनॉन निकॉन के कैमरे हैं। तो मैं सिंपल कहना चाहता हूँ भाई आप इसको किसी भी फ़ोन में बना सकते हैं, बट एंड्रॉयड 6.0 और 7 आजकल गाइस, वैसे एंड्रॉयड मैटर नहीं करता है, ज़्यादातर गाइस कैमरे का फ़र्क होता है भाई। अगर कैमरा थोड़ा भाई अटके है तो अच्छी वीडियोस बन जाएंगी। तो गाइस इस जो प्रोसेस को कहते हैं ऐसी वीडियो बनाने को, जो मूवी थ्रोट्स वाली या फिर ओनली मूवी लाइट्स नहीं होती, जैसे सनसेट हो गया और इंसेक्ट्स गाइस स्लो मूविंग इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए गाइस, या फिर कई बार बारिश हो रही हो या फिर बारिश तो छोटे छोटे बादल ही होते हैं, और कई बार हम एक पौधे का फूल का बना सकते हैं, बहुत अच्छे गाइस नेचर में आता है कि फूल का भाई जैसे खिल रहा है और बंद हो रहा है, ये सब गाइस तो बना सकते हो। इसको कहते हैं गाइस टाइम लैप्स। जी हाँ, टाइम लैप्स आप अपने कैमरे में देख सकते हो, गाइस टाइम लैप्स ऑप्शन होगा। अगर नहीं है भाई कमेंट में बता देना मुझे आपका कौन सा फ़ोन है भाई, कौन सा फ़ोन है, कितनी जी बी रैम, मॉडल नंबर, या फिर भाई फ़ोन बता देना कौन सा है, बाकी मैं आपको बता दूँगा इस कहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइस एक्चुअली ये वर्क कैसे करते गाइस, ये जो होता है आपकी वीडियो बनाते हैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते गाइस। अगर आपको बनानी है स्लो मूविंग क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स कुछ तो तेज़ घूम रहे थे बारिश से पहले गाइस, आपको पता है हवा बहुत तेज़ होती है, तो काफ़ी आप अपनी नेट से भी देख सकते हो भाई कि तेज़ चल रहे हैं क्लाउड्स। जैसे ये देखो गाइस, अगर ऐसे देख सकते हैं, मतलब थोड़ी स्पीड होती है दिख जाए, बट कुछ होते काफ़ी स्लो होते हैं, मतलब जैसे कोई सनी डे और आराम से भाई थोड़े बहुत बादल है पर दिख नहीं रहते भाई, बहुत देर तक देखना पड़ता है कि यहाँ से यहाँ गए हैं, बट ऐसे नहीं देखते कि वो चल रहे हैं। तो ऐसे के लिए आपकी जो वीडियो होती है वो 240x यानी कि 240 टाइम्स जो आपकी नॉर्मल वीडियो से तेज होती है, उसके फ्रेम्स इतने तेज हो जाते हैं गाइस। सो भाई ये नहीं होता कि तेज किए तो दो दो फ्रेम दिखाए, बट दिखाता पूरे भाई 100-200 या फिर 60 FPS पे ही है गाइस, मेरी मैक्सिमम फोन 30 FPS पे बनाते हैं, जो ज़्यादा हाई एंड फ़ोन है वो 60 FPS पे भी बना देते हैं, वो भी 240 FPS, बाकी 150 FPS पे होता है सनराइज सनसेट, और बाकी 200 FPS में बनती है फास्ट मूविंग क्लाउड जैसे कि नेक्ट आई से जो दिखते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। काफ़ी कैमरों में ऐसे ऑप्शन होते हैं AI का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो AI ऊपर लिखा हुआ है, उसको ऑन और ऑफ क्या, मतलब भाई क्या डिफरेंस होता है AI से, क्या आपका कैमरा जो होता है बहुत ही तगड़ा हो जाता है, मतलब कुछ DSLR बन जाता है या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। इसमें मेन पॉइंट की बात यह है कि गाइस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कैमरे को क्वालिटी में गाइस, थोड़ा मतलब मिनिमम 0.1% तक फर्क पड़ सकता है आपका, फर्क पड़ सकता है उसका गाइस क्लियरिटी का, मतलब आपके सामने कुछ टेक्सचर्स है वो थोड़ा मतलब क्लियर डॉट्स दिख जाएंगे, मतलब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी थोड़ी टेक्सचर में विदाउट ब्लरनेस, बट उसमें गाइस AI ऑन करके दो फोटोज मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस, जो आप देख सकते हो राइट में मेरी फोटो है, राइट वाली फोटो देख सकते हो, मतलब कलर्स जो है विविड कलर्स हैं, विविड मतलब कि काफ़ी डार्क है गाइस, जितने नेचुरल कलर से थोड़े डार्क, मतलब थोड़े काफ़ी डार्क हैं, जो उसको थोड़ी रियलिस्टिक और मतलब लाइव कलर्स देती है, मतलब थोड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर्स मिल जाते हैं। बट यहीं लेफ्ट हैंड वाले की बात करें तो उसमें आपको नेचुरल कलर्स मिल जाएंगे जैसे उसके ऑफिशियली मतलब ओरिजिनली कलर्स हैं, तो इसमें ये डिफरेंस है गाइस कि इसके कलर्स विविड कर देता है, जिससे उसकी जो है लाइवनेस जो बढ़ जाती है गाइस, उसकी लाइव जो होता है मतलब भाई लगता है कि काफ़ी रियलिस्टिक बन जाती है वो इमेज, चाहे वो कार्टून हो या फिर कोई नेचर। सो आप ये फ्लावर देख सकते हो गाइस, और यहाँ पे आप पत्तों की क्लियरिटी भी देख सकते हो गाइस, लीव्स जो है कितने भाई क्लियर दिख रहे हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन इट और विदाउट AI ऑन, और AI का भाई ये भी होता है कि ब्लरनेस काफ़ी अच्छी हो जाती है पैक पे, और अगर आपके यहाँ पे जैसे गाइस यहाँ पे कई बार ब्लरनेस रेडमी रूडमी फ़ोन हो गए, रियलमी हो गए, ओप्पो वीवो कुछ फ़ोन्स जो है यहाँ से थोड़ी मतलब ख़राबी कर देते हैं। सो यही था कुछ उसका गाइस, और नेक्स्ट वीडियो हम इजी में बात करेंगे कि कैसे वर्क करता है कि नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट माय ऑल न्यू नोटिफिकेशंस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।